यहाँ पर टीम फॉरएवर के द्वारा कि वो यहाँ से एक जंप ये जीत के अपने वो कंपनसेट पहले मैच को पहले मैच की परफॉर्मेंस को कंपनसेट यहाँ से कर सके। ओवेंस बोलते एक अच्छे एडवांटेज में यहाँ पर नजर आते हुए शैडो जी की बात करें गए तो देखिए एक अच्छा मूव था उनकी तरफ से वो पोजिशन वो एक फ्लैंक लेना, लेकिन कभी कभी वो रिस्क यहाँ पर मूव हो जाते हैं और फिर वो डिस्टेंस से फाइट ले रहे हैं, वो डिस्टेंस से फाइट इसलिए ले रहे हैं बिकॉज उनके ऊपर एक एंगल बनाया जा सकता है, टीम फॉरएवर के ऊपर एक एंगल बनाया जा सकता है, फॉरएवर की टीम के लिए एक चैलेंज रहेगा जरूर। बट टीएसएम जैसे कि मैं कहता हूं दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैच फॉर द टीम एंड ओवेस को इमीडिएटली नॉकआउट किया जाएगा। आई डोंट थिंक यहां पर रिवाइव पॉसिबल रहेगा। फ्रैंकी एंड मैक्स कश फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं, ग्रेनेड आता है निंजा को ओवरथ्रो यहां पर किया जाएगा ये जो ग्रेनेड है मैक्स कश के द्वारा। बट क्या यहां पर रिवाइव पॉसिबल बिकॉज विदाउट रिवाइव इस फाइट में आगे बढ़ना काफी मुश्किल रहेगा। 29 सेकंड्स का समय है, डिसीजन लेना पड़ेगा टीम फॉरएवर को। वेल जी हां यहां पर रिवाइव के लिए मैक्स कश ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं एंड यू नो व्हाट They're still going into the game. देखिए पूरा अगर देखा जाए तो यहाँ पर कंट्रोल में ला सकते गेम को, लेकिन आए जरूर थे निंजा, लेकिन क्या वो नॉकआउट निकाल पाएंगे? जी नहीं, फिर से यहाँ पर विफलता, यहाँ पर एक और नॉकआउट नहीं जाती हुई।